सो सोहेगा गाइस स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर सुजलॉन एनर्जी के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी भी सुबह देखा होगा आपने मार्केट जब ओपन हुई आ, गैप डाउन थी मार्केट भी और ये स्टॉक भी गैप डाउन यानी कि एल के अंदर ही ओपन होते हुए नजर आया था अभी उसके बाद आप लोग देखोगे जैसे ही न्यूज़ आई कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है वन नाइनटी का

ठीक है यानी कि लॉस में बेचा हुई ऊपर के भाव से स्टॉक को पकड़ लिया और नीचे में लॉस के अंदर बेच दिया है उनको नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है और हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक ही बात बोली थी देखो स्टॉक टूट रहा है देखो भी किसी के हाथ में नहीं है समझे यहां पर अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती उसका कोई नेगेटिव असर आता स्टॉक के ऊपर तो हम बोलते भी हाँ नेगेटिव न्यूज़ ही आई हैं और उसकी वजह से आप लोग देखो स्टॉक टूट रहा है वो एक अलग बात होती है लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा भी मार्केट में करेक्शन की वजह से स्टॉक टूटा ठीक है और उसके बाद आप लोग देखोगे आज सुबह भी आ, मार्केट में जो हाल था उन सबको देखते हुए स्टॉक लोअर सर्किट में गया उसके बाद जैसे कंपनी को ऑर्डर मिला मार्केट में फिर से रिकवरी आई तो ये स्टॉक भी रिकवरी देते हुए नजर आया है तो ऐसे में जिन्होंने अपने होल्डिंग बनाए रखी थोड़ा रिस्क लिया तो उनको जो है भी नुकसान के सिवाय सॉरी uh, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है अपने उसी रेंज में स्टॉक जरूर आ गया है जहाँ से स्टॉक टूट गया था भाई ठीक है तो यहाँ से आप लोग देखोगे क्या ये शेयर रिकवरी देते हुए नजर आएगा क्योंकि कंपनी को जो ना नी दो बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं और कुछ खास इंप्रूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिला है भाई पीछे भी हमें देखा होगा पंद्रह तारीख को एक ऑर्डर मिला था सौ मेगावोट के आसपास का और आज मिल चुका है 193 मेगावाट के आसपास यानी टोटल जो ना अभी 293 मेगावाट के आसपास के जो ना अभी दो बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं इस महीने में

कुछ माहौल नहीं बनते हुए नजर आए भाई कल तो सारा का सारा दबाव था अभी तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या, क्या कुछ मोमेंटम बनेंगे क्या ये जो दो बड़े ऑर्डर मिले हैं इनका इम्पैक्ट क्वार्टर वन के सॉरी क्वार्टर थ्री के बाद देखने को मिलेगा या फिर क्वार्टर थ्री से पहले आप लोग देखोगे भी स्टॉक में कुछ ना कुछ गेम चेंजिंग मूवमेंट बनेंगे या फिर नहीं चलिए देख लेते हैं डिटेल में तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुजलोन एनर्जी की रिगार्डिंग जो डाटा देखने को मिला प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी पैंतीस रुपए पैंसठ पैसे ओपन कहाँ पर हुआ चौंतीस रुपये तीस पैसे और नीचे में कहाँ तक गया भी ये तैंतीस नब्बे तक गया ठीक है उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक सैंतीस रुपए पच्चीस पैसे तक ऊपर में गया और सैंतीस रुपए दस पैसे के आसपास जो है भी स्टॉक ने क्लोजिंग ली है ऐसे में आप लोग देखो भी मार्केट प्राइस के ऊपर एक लाख और अट्ठा छब्बीस हजार आठ क्वांटिटी का जो ना एक बाय ऑर्डर लगा जो कि पॉजिटिव संकेत है डिलीवरी पोजिशन की अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोग देखोगे वो शो नोखा बिकॉज स्टॉक ए की फोर्थ स्टेज में है और आप लोग देखो जैसे ही स्टॉक जनवरी के अंदर ए की फोर्थ स्टेज से बाहर आएगा उसके बाद आप लोग देखोगे पर सर्किट लिमिट चेंज होने के भी भी चांसेस हैं सर्किट लिमिट चेंज होगी इसकी और वहां से आप लोग देखोगे पूरा का पूरा गेम चेंजिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा यानी कि जैसे स्टॉक से बाहर आएगा ना उसके बाद गेम चेंजिंग मूवमेंट स्टार्ट होंगे तो आप लोग देखोगे जनवरी फरवरी के अंदर ही हमें जो अभी क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के नंबर भी देखने को मिलेंगे ठीक है उसके बाद बजट है फरवरी के अंदर बजट के बाद आप लोग इलेक्शन होने हैं तो ये तीन चार बड़े इवेंट आने हैं और इन तीन चार इवेंटों के अंदर जो अभी पूरा का पूरा गेम चेंजिंग मूवमेंट बनेंगे ठीक है तो यहाँ से जिसकी भी होल्डिंग है अपनी होल्डिंग बनाए रख सकता है और नीचे के भाव में जिन्होंने खरीदा है उनके तो देखो भी वल्ले वल्ले हैं ठीक है क्योंकि एक दिन में स्टॉक ने जो रिटर्न दिए अभी छः सात सात आठ परसेंट के रिटर्न दिए हैं क्योंकि पहले नीचे गया उसके बाद वो गिरावट कवर की और फिर स्टॉक में ऊपर में आया है तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में जो सपोर्ट बना हुआ था चौंतीस रुपये के आसपास का मैंने आपको पहले भी बोला था चौंतीस रुपये के आसपास का सपोर्ट है तो वैसे तो ये सपोर्ट टूट गया था लेकिन ऐसा लेने के लिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया था अभी कल की वीडियो में क्योंकि मार्केट की वजह से करेक्शन था ना उसके बाद आप लोग देखोगे भी स्टॉक में अप ट्रेंड भी बना हुआ काफ़ी टाइम से तो इसी अप ट्रेंड के ऊपर आने के बाद आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन को टच किया और टच करते ही स्टॉक में जो रिकवरी बनी है वो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर टच किया और उसके बाद में स्टॉक धड़ाम से ऊपर गया भाई ठीक है काफ़ी शानदार माहौल बने ना काफी शानदार अच्छी रैली बनते हुए नजर आई है तो यहां से अगर आपने फ्रेश एंट्री नहीं लिए या फिर फ्रेश एंट्री के जो ना भी देख रहे हो फ्रेश एंट्री कहां पर ले कहां पर नहीं अब तो देखो अभी ब्रेकआउट के बाद ही फ्रेश एंट्री लेना सबसे सही रहेगा और ब्रेकआउट लेवल क्या है इसका इकतालीस रुपए पिचहत्तर पैसा अगर ये लेवल ब्रेक होकर स्टॉक सस्टेन करता है तो वही फ्रेश एंट्री के लिए जाना अदरवाइज अभी जैसा वैसा स्टॉक को रखिए या फिर आपकी पहले से होल्डिंग है तो भी जैसी है वैसी रखिए भाई नीचे के भाव से अगर आपने थोड़ा बहुत एवरेज किया तो काफ़ी अच्छी बात है अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसा वैसा स्टॉक को अभी के टाइम पकड़ के बैठे रहिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस न होने थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो